डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की ओर। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव, आज भारी गहमा गहमी के बीच छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डीएसओ की तरफ से रचना करार अध्यक्ष पद पर चुनी गयी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर देशराज सिंह यादव एनएसयूआई के एवं सचिव पद पर कामिनी हरिजन एवं सह सचिव पद पर अंकिता सक्सेना ने जीत दर्ज कराई। वहीं कुछ प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद मतपत्रों की दोबारा गिनती कराई गई। वहीं कॉलेज के बाहर विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र भी उपस्थित थे, जो बार बार कॉलेज के अंदर अपने प्रत्याशियों से मिलने की बात कर रहे थे। ऐसा करने में क्या सभी को अलाउ करना पड़ेगा? सभी को अलाउ करना पड़ेगा। आप तो तीन संगठन के जो काम कर रहे हैं और जो हमारे संगठन सीआर बाहर भी नहीं आए, बाहर आज तो दिक्कत ही नहीं होती, समझा देते कैसे अंदर जाएगा बताओ ना। पुलिस ने भी पूरे कॉलेज परिसर को एक छावनी में तब्दील किया था, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। वहीं छात्र संगठन अपने पक्ष में वोट डालने के लिए छात्रों के साथ खींचतान भी करते देखे गए। वहीं एक अफवाह ये देखने को सामने आई कि एनएसयूआई एवं एबीवीपी दोनों सम्मिलित होकर चुनाव लड़ेंगी एवं अन्य को पटकनी देंगी, पर डीएसओ की तरफ से अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद डीएसओ ने यह साबित कर दिया कि छात्र राजनीति कोई हंसी खेल नहीं, चुनाव जीतने के लिए शालीनता का होना भी आवश्यक है। मोबाइल हटाओ सर, कुछ भी नहीं है, देख लो इसमें ये रेट होगा सर जी। वैसे ये रिजल्ट मैंने किसी में भी नहीं देख लो, इतना ही बोल जाते हैं थोड़ा सा काम है ये भी तो प्यार आपको चाहिए सर। मैं बेईमान ही है, मैं बेईमान ही है सर, ये कोई बेईमान नहीं है। समाजवादी पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। स्थानीय हनुमान चौराहे पर समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों से हो रही लूट के विरोध में किया गया। पार्टी का कहना था कि किसानों को मात्र 4 माह बिजली दी जाती है एवं बिल पूरे साल भर का दिया जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस विषय पर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें तो किसानों को प्रदाय की जाती है और पूरे वर्ष का बिल लिया जाता है। नंबर 2, 70% राशि। आज ये समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन किसानों की महालूट को उजागर करने के लिए किया जा रहा है। जैसे किसानों को 4 महीना बिजली दी जाती है और 12 महीने का बिल लिया जाता है, जब किसान से वसूला जाता है और गवर्नमेंट का अनुदान जो होता है वो भी विद्युत कंपनी जो सरकार से ले रही है, लेकिन फिर भी किसान को बेईमान बताया जा रहा है।
लाइट केवल 4 महीने दी जाती है, 12 महीने का बिल लिया जाता है। इसकी मैं उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहता हूं। ये अरबों खरबों का घोटाला है पूरी मध्य प्रदेश में, इसके लिए न तो बीजेपी बोलती है न कांग्रेस बोलती है, दोनों की मिली भगत है। समाजवादी पार्टी के साथ ही इस बात को उजागर करना चाहते हैं, इसकी उच्च स्तरीय जाँच चाहते हैं। बमोरी तहसीलदार ने पकड़ी अवैध उत्खनन करती हुई बोरिंग मशीन, और बोरिंग मशीन को जब्त कर झागर थाने में रखवा दी गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कोई कार्रवाई होती है या लीपापोती करके मामला दबा दिया जाता है। शहर में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। इस कथा में कथावाचक पंडित बालव्यास सुदामा जी महाराज हैं, जो अपनी मधुर वाणी में भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। आयोजकों ने अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को इस भागवत कथा का आनंद उठाने के आग्रह किया है। जाएगी देवउठनी 11, कल के बाद शादियों के मुहूर्त भी खुल जाएंगे और शुरू हो जाएगी शादियों की रौनक। इसी तारतम्य में शहर में गन्ना व्यापारियों के खूब गन्ने बिके। आपको बता दें कि 11 के दिन गन्नों की पूजा की जाती है। कॉलेज में चुनाव जीतने के बाद डीजियाना की टीम ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव से बात की। वहीं ये देखने को मिला कि तीनों ही पदों पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जिसमें से हमने NSUI के उपाध्यक्ष पद पर चयनित देशराज सिंह यादव से बात की तो वह केवल अपने ही बखान करते हुए नजर आए, और उन्होंने जल्दबाजी में यह तक भूल गए कि उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद या सचिव पद पर नहीं चुना गया और अपने NSUI के बड़बोलेपन को दर्शाते हुए केवल अपनी ही बोलते जा रहे थे, सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। समझ से परे है कि इस तरह का उपाध्यक्ष होगा तो कैसे चलेगा कॉलेज का प्रशासन। मैं बस अपने छात्रों के हित में लड़ा हूँ और NSUI से कैंडिडेट था, और मुझे पूरे छात्रों ने CR में भी पूरी दम से जिताया है। AP को बिल्कुल सुप्रा साहब, DSO का सुप्रा साहब, सिर्फ NSUI जीती है, और उपाध्यक्ष के लिए सभी छात्रों ने बिल्कुल। आपकी क्या पैनल में अध्यक्ष आपका नहीं है, फिर आप कैसे सामंजस्य बिठा लेंगे? बस ये है कि हमारे अगर अध्यक्ष की सीट होती लड़के की तो हम ही बनते, ये भी पता है। अब वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आप कैसे सामंजस्य बिठा लेंगे? वो सब हो जाएगा, वो छात्रों के इतने काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। वहीं जब हमारी बात सचिव पद पर मनोनीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हुई तो उन्होंने बताया कि वह कॉलेज को साफ स्वच्छ रखने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और जो भी कॉलेज में गलत होगा उसका विरोध करेंगे। कॉलेज के हित में हम छात्राओं के लिए जो भी गलत कार्रवाई हो रही है उसको सही करने का प्रयास करेंगे, अपने परिसर को साफ स्वच्छ रखेंगे और कॉलेज में शांति का माहौल बनाने की पूरी कोशिश। छात्रों के हित में बिल्कुल स्कॉलरशिप
जब हमने डीएसओ से अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई रचना किरार से बात की तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया कि वह कॉलेज में लाइब्रेरी हॉल की मांग करेंगी, साथ ही छात्रों को जो परेशानी फीस वृद्धि के दौरान आती है उससे भी निपटने के लिए तैयार रहेंगे। लाइब्रेरी हॉल बनवाना क्योंकि कई सारे बच्चे ये अभी तक बुक्स नहीं मिली है, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के पास और बच्चे आते हैं बोलते हैं कि दीदी अभी तक ये बुक्स नहीं मिली, तो उसको लेकर हम लोग डिमांड करेंगे कि यहाँ पर लाइब्रेरी हॉल हो जिसमें बच्चे पढ़ सकें, साथ ही जो कॉलेज में फीस वृद्धि होती है हम उसको भी वापस लेने को लेकर लगातार डिमांड करते हैं। कॉलेज में किस तरह की फीस वृद्धि हम लोग नहीं होता है और जैसे नामांकन में प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण जितनी भी छात्रवृत्ति से लेकर आवासीय योजना में प्रॉब्लम आती है, ऐसी अलग अलग किस्म प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा किया गया छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, बांटे गए विकलांगता प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जो विकलांग छात्र हैं उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आज यहाँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत शालेय शिक्षित बच्चों का जो हाई स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत उन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, इनके विकलांगता प्रमाण पत्र बनेंगे और इनको क्या उपकरण की आवश्यकता उसका चिन्हन करेंगे। शासकीय महाविद्यालय राधोगढ़ में हुए छात्र संघ चुनाव, एबीवीपी का पत्ता साफ। छात्र संघ चुनाव में राधोगढ़ से रुक्मणी राय अध्यक्ष पद के लिए, आकाश सोनी उपाध्यक्ष एवं जयंत सेन सचिव रहे तथा भारती प्रजापति ने सह सचिव का स्थान प्राप्त किया। राधोगढ़ में एनएससीआई की तरफ से एवं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशाल जुलूस निकाला गया, जुलूस का जगह जगह स्वागत भी किया गया। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।